नमस्कार महप्रिया, आज है 24 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाढ़ सुखाड़ को लेकर अब ये देंगे अपना फीडबैक। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अब ये हुआ अनिवार्य। बिहार वासियों को अब 24 घंटे मिलेगी बिजली। मोबाइल ऐप से होगा फसलों का इलाज। आयुष्मान योजना के बाद भी बिहार में इतने प्रतिशत लोग हैं स्वास्थ्य बीमा से वंचित। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बाढ़ सुखाड़ को लेकर अब ये देंगे अपना फीडबैक। बिहार में बाढ़ और सुखाड़ की समस्या काफी ज्यादा रहती है। हर साल बिहार का एक इलाका जहां बाढ़ की चपेट में होता है तो एक इलाका सूखे की मार का सामना कर रहा होता है। ऐसे में अब इस साल बाढ़ और सुखाड़ की समस्या का समाधान समय पर हो, इसको लेकर जल संसाधन विभाग ने खास पहल की है, जिसके तहत ही अब MLA और MLC से बिहार सरकार फीडबैक लेने वाली है। ये पहल जल संसाधन विभाग ने की है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अब 25 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रमंडलवार बैठक होगी। दोनों दिन के लिए सभी सत्र में जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा और विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल मौजूद रहेंगे। साथ ही पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज और लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन सहित वरीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नलिन विलोचन शर्मा की। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म भारद्वाज गोत्र के सरयू पार्न ब्राह्मण कुल में विक्रम स्वंत 1972 माघ शुक्ल चतुर्दशी तदनुसार 18 फरवरी 1916 ईसा को संध्या 6 बजे पटना सिटी के बदरघाट के पास हुआ था। वो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। मात्र लगभग 46 साल की आयु में 12 सितंबर 1961 ईसा को अपराहन 1:30 बजे हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। नलिन जी संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के निशांत विद्वान थे। साथ ही फ्रेंच और जर्मन भाषा का भी उन्होंने यथेष्ट ज्ञान प्राप्त किया था। चित्रकला में भी उनकी गहरी रुचि थी। नलिन जी ने हिंदी आलोचना का नया मापदंड निर्मित किया। अपने प्रखर आलोचनात्मक लेखों, साहित्यिक टिप्पणियों और पुस्तक समीक्षाओं के जरिए वो हिंदी संसार को नए ढंग से आंदोलित करने में सफल हुए थे। नए पुराने सभी लेखकों के बीच के आलोचकों के रूप में वो समान रूप से प्रतिष्ठित थे। पटना विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक, हिंदी लेखक और आलोचक भी थे। बिहार वासियों को अब 24 घंटे मिलेगी बिजली। बिहार में बिजली की समस्या का सामना अब बिहार वासियों को नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब निर्बाध बिजली की आपूर्ति करने में बिहार की नीतीश सरकार लग गई है। इसी कड़ी में अब बिहार में 24 घंटे बिजली देने के लिए पावर सबस्टेशन की क्षमता बढ़ाई जाएगी। पहले से बने सबस्टेशन में लगे पुराने उपकरण बदल जाएंगे। अगर कहीं 3.25 MVA या फिर 5 MVA के पावर ट्रांसफर होंगे तो वहां बदलकर 10 MVA का लगाया जाएगा। कुछ सबस्टेशन में नए पावर ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। कंपनी की योजना के अनुसार राज्य में 167 पावर सबस्टेशनों का आधुनिकीकरण और मरम्मतीकरण करने की योजना है। इसके तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधीन 51 पावर सबस्टेशनों का चयन किया गया है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में अब ये हुआ अनिवार्य। बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। बिहार सरकार की नई योजना के अनुसार सभी विश्वविद्यालयों में डिजिटल टेक्नोलॉजी की व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने अगस्त तक सभी संस्थानों को एक समान डेटाबेस तैयार कराने का फैसला किया है। विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों का आंतरिक मूल्यांकन करने का निर्देश भी जारी किया है, जिसके लागू हो जाने के बाद इधर आधार पर जो सूचनाएं हासिल होंगी उसे डेटाबेस का हिस्सा फिर बनाया जाए। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है। साथ ही उच्च शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण डिजिटलीकरण का काम पूरा करने को भी कहा है। CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने निकाली रिक्तियां। CSIR केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ने जूनियर हिंदी अनुवादक, टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक के कुल मिलाकर 68 पद पर आवेदन की मांग की है। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जूनियर हिंदी अनुवादक के लिए हिंदी या अंग्रेजी विषय के साथ मास्टर्स डिग्री के लिए हिंदी या अंग्रेजी एक अन्य विषय के रूप में और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हिंदी से अंग्रेजी या समकक्ष। टेक्नीशियन के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ 10वीं कक्षा पास और प्रासंगिक ट्रेड या समकक्ष में ITI। तकनीक सहायक के लिए BSc रसायन विज्ञान, भौतिकी, जीवन विज्ञान 60% अंकों के साथ और 1 वर्ष का अनुभव या समकक्ष कोई डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 20 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.clri.org पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। इथेनॉल के बाद अब यहां उठने लगी चीनी मिल चालू करने की मांग। बिहार में अब इन दिनों उद्योग को बढ़ावा देने में सरकार लगी हुई है। हाल ही में इथेनॉल प्लांट की शुरुआत के बाद अब बिहार में चीनी मिल शुरू करने की चर्चा हो रही है। सालों से बंद वनमनखी की औद्योगिक विरासत चीनी मिल को चालू करवाने और उस भूमि पर अविलंब उद्योग लगवाने के उद्देश्य से मिथिला
स्टूडेंट यूनियन की तरफ से 20 मई से 10 जून तक हस्ताक्षर अभियान चला रही है। संगठन के जिला अध्यक्ष सह प्रमंडल प्रभारी अविनाश कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 दिन में 50,000 हस्ताक्षर जुटाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनमनखी अनुमंडल क्षेत्र को 5 हिस्से में बांटा गया है और 5-5 सेनानियों की टीम बनाई गई है। अगले महीने से शुरू हो जाएगा जेपी गंगा पथ का ये हिस्सा। बिहार में अगले महीने से जेपी गंगा पथ का एक और हिस्सा पटना वासियों के लिए खोल दिया जाएगा, जिसके बाद से अब राजधानी के लोगों का मुंबई के मरीना ड्राइव की तरह गंगा की लहरों के बीच सफर का सपना भी पूरा होने वाला है। खबर के अनुसार 4 जून से जयप्रकाश गंगा पथ पर आवागमन शुरू किया जा रहा है। हालांकि ये दीघा से गांधी मैदान स्थित AN सिन्हा इंस्टीट्यूट तक शुरू किया जा रहा है। इसके आगे के क्षेत्र में पथ का निर्माण कार्य चल रहा है। बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि जेपी गंगा पथ की कुल लंबाई 20.5 किलोमीटर है। अभी 5.4 किलोमीटर का निर्माण कार्य पूरा हो सका है। बिहार में सफल नहीं हो रही है डिजिटाइज्ड जमाबंदी। बिहार की नीतीश सरकार भले ही जमीन संबंधी मामलों का निपटारा ऑनलाइन माध्यम से करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह सफल होता नहीं दिखाई दे रहा है। यही कारण भी है कि बिहार में अब भी बड़ी संख्या में डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में कमियां रही है, जिस पर ही अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने इस बात पर नाराजगी प्रकट की है। डिजिटाइज्ड जमाबंदियों कमियों को दूर करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस मामले में पहले से ही सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देने का काम हो रहा था, लेकिन इसका अनुपालन किया ही नहीं गया, जिसके कारण ही लोगों को अब काफी ज्यादा असुविधा हो रही है। मोबाइल ऐप से होगा फसलों का इलाज। बिहार के किसानों के फसल अब कितने स्वस्थ हैं कितने नहीं, इसका पता लगा पाना तो अब आसान होगा ही। साथ ही फसलों का इलाज भी अब मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से होने वाला है। इसके तहत दूरदराज के किसान ऐप के माध्यम से फसलों की तस्वीर डालेंगे। ये तस्वीर BAU के कृषि वैज्ञानिक के पास पहुंचेगी और वैज्ञानिक ऐप के माध्यम से ही फसलों में लगे कीड़ों का इलाज बताया जाएगा। वहीं बिहार में इस तरह ऐप से फसल का इलाज पहली बार होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय और IIIT इस अनोखे प्रयोग में लगा हुआ है। दोनों संस्थान संयुक्त रूप से इस मोबाइल ऐप का निर्माण कर रहे हैं। 2 दिनों में इन दोनों संस्थानों के बीच MOU होना है। इस प्रयोग से BAU के कृषि विकास केंद्र से जुड़े सभी किसानों को लाभ होगा। नालंदा के सोन भंडार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ऐसी मान्यता है कि यह स्थान पर प्राचीन काल में जरासंध का सोने का खजाना था। कहा जाता है कि अब भी इस पर्वत की गुफा के अंदर अतुल मात्रा में सोना छुपा है और पत्थर के दरवाजे पर उसे खोलने का रहस्य भी किसी गुप्त भाषा में खोदा हुआ है। सोन भंडार नामक ये गुफा राजगीर के विभागिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। कहा तो ये भी जाता है कि खजाने को ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने तोपों से गुफा के दरवाजे को तोड़ना चाहा, पर वो भी इसमें नाकाम रहे। बिहार के शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देने पर लगेगा जुर्माना। बिहार के शिक्षकों की सही जानकारी नहीं देने पर CBSE ने सभी स्कूलों को शिक्षकों के संबंध में सही जानकारी देने की बात कह दी है। स्कूलों की तरफ से सही जानकारी नहीं देने से 10वीं और 12वीं के मूल्यांकन में बोर्ड को काफी दिक्कतें होती हैं। इस बार अगर किसी स्कूल ने शिक्षकों के संबंध में सही जानकारी नहीं दी तो उन पर 50,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसकी सूचना बोर्ड ने सभी स्कूलों को जारी कर दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ मूल्यांकन भी शुरू कर दिया गया है। बोर्ड की माने तो हर साल ऐसे स्कूल पकड़ में आते हैं जो उन शिक्षकों को भेजते हैं जो संबंधित स्कूल में कार्यरत नहीं होते। इससे बोर्ड मूल्यांकन में प्रशिक्षक बनाने में परेशानी भी होती है। नियमित टीकाकरण को लेकर बिहार में शुरू होगी नई योजना। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि प्रदेश में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण को लेकर 26 और 27 मई को राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर मंगल पांडे ने बीते दिन बताया कि राज्य सरकार नियमित टीकाकरण के गुणवत्ता का भी और सुदृढ़ीकरण और इसके आच्छादन के लिए संकल्पित है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस साल 26 और 27 मई को राज्य के सभी जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी का कार्यशाला के माध्यम से उन्मुखीकरण किया जाएगा। साथ ही नियमित टीकाकरण अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। बिहार के लोगों को अब गर्मी से मिलेगी राहत। बिहार वासियों को अभी गर्मी से राहत मिलती रहने वाली है। प्रदेश के सभी जिलों के एक या दो स्थान पर गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान जो है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा का प्रवाह लगातार जारी रहने से पूरे प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। इससे अधिकतम तापमान में क्रमिक गिरावट आने से मौसम सुहाना हो सकता है। साथ ही इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार है। मौसम विज्ञानी की माने तो नमी युक्त पूर्वी हवा के कारण पटना का मौसम अगले 3 दिनों तक सामान्य बने रहने के आसार है। पटना और इसके आसपास क्षेत्रों में 3 दिनों तक आकाश में बादल छाए रहने, बिजली चमकने का पूर्वानुमान है। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए अनिल हेगड़े।
बिहार में किंग महेंद्र के गुजर जाने के बाद अब राज्यसभा के लिए निर्विरोध अनिल हेगड़े को चुन लिया गया है, जिसके तहत ही निर्वाचन का प्रमाण पत्र लिए बीते दिन अनिल हेगड़े ने अपनी फोटो खिंचवाई है। बता दें कि पहले से ही अनिल हेगड़े का निर्विरोध चुना जाना तय था, क्योंकि उनके अलावा किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया था। कर्नाटक के रहने वाले अनिल हेगड़े पिछले 31 सालों से नीतीश कुमार के साथ है। निर्वाचित होने के बाद उनका कार्यकाल 2 अप्रैल 2024 तक होगा। अनिल हेगड़े लंबे समय से जदयू और नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं। पिछले संगठन के चुनाव इन्हीं के नेतृत्व में कराए गए थे। राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव इन्होंने कराया था और नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन का सर्टिफिकेट दिया गया था। अब नीतीश कुमार ने अनिल हेगड़े पर ही अपना विश्वास जताया है। बिहार में पैरासेलिंग का ट्रायल हुआ सफल। बिहार में पर्यटन को लेकर सरकार कई तरह की योजनाएं बना रही है। इसी के तहत अब बेतिया, अंबा, मन में वाटर स्पोर्ट्स और फिर पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की तरफ से शुरू की गई है। इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है, जो सफल रहा। जल्द ही पर्यटकों के लिए पैरासेलिंग की सुविधा शुरू की जाएगी। पैरासेलिंग के साथ पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का भी आनंद ले सकेंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से नई सुविधाओं की शुरुआत की जा रही है, ताकि बिहार में आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ सके। यहां अब तक मोटर बोट, कयाक, टॉय राइड आदि वाटर स्पोर्ट्स से जुड़ी गतिविधियों का सफल ट्रायल भी किया जा चुका है। यहां पैरा सेलिंग के साथ साथ पर्यटक पैडल बोट बनाना, राइड, जॉर्बिंग, रोलर, ट्री हाउस, फ्लोटिंग प्रोमिनेड आदि का भी आनंद उठा सकेंगे। ट्रेनों के ठहराव के लिए रेल आंदोलन खत्म। बिहार के लखीसराय जिले के बरहिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन देखा जा रहा था। बीते दिन से ही लोग दर्जनों भर ट्रेन के ठहराव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले साल जुलाई 2021 में रेलवे की तरफ से दिए गए आश्वासन के बावजूद एक दर्जन ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के कारण रेल संघर्ष समिति के सदस्य नाराज थे। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि ट्रेनों के ठहराव के लिए रेल आंदोलन खत्म हो गया है। रेल प्रबंधक के आश्वासन के बाद रेल संघर्ष समिति ने आंदोलन को खत्म करने का फैसला किया है। फिलहाल रेलवे ने आंदोलनकारियों की दो मांगों को स्वीकार कर लिया, जिसके तहत दो ट्रेन जनसेवा एक्सप्रेस और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस के स्टॉपेज को मंजूरी दे दी गई है। बाकी ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए 2 महीने का वक्त मांगा गया है। सीएम नीतीश ने खरीफ माह अभियान 2022 का किया शुभारंभ। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बिहार में बीते दिन खरीफ महाअभियान की शुरुआत कर दी। इसको लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद से सीएम नीतीश कुमार ने 59 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये रथ हर जिले में घूम घूम कर किसानों को जागरूक करने का काम करने वाली है। इतना ही नहीं, ऐसा पहली बार हुआ है जब बिहार में माइक्रो इरीगेशन को लेकर भी सरकार की तरफ से 21 रथों को रवाना किया गया है। सरकार इसमें 90% तक अनुदान दे रही है। इसके अलावा बीज और बागवानी को लेकर भी किसानों को रथ के माध्यम से सरकार जागरूक करने वाली है। इस बाबत कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस अभियान के लिए 59 रथ रवाना हुए हैं। बीज के साथ बागवानी और जलवायु परिवर्तन तीन कंपोनेंट है। इस महाअभियान के तहत ही इन तीनों पर यह रथ प्रचार प्रसार किया जाएगा। किसानों को आधुनिक खेती कैसे की जाए, इसकी जानकारी दी जाएगी। आयुष्मान योजना के बाद भी बिहार में इतने प्रतिशत लोग हैं स्वास्थ्य बीमा से वंचित। बिहार में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना चलाई जा रही है, जिसे उम्मीद है कि स्वास्थ्य बीमा का लाभ लोग उठा सकेंगे। लेकिन अफसोस, अभी बिहार के लगभग 85.4% लोग स्वास्थ्य बीमा से वंचित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के अनुसार पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में 15.9% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा है, जबकि स्वास्थ्य बीमा का राष्ट्रीय औसत 41% है। नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 6.5 करोड़ लोग गरीब बताए गए हैं। बिहार में आयुष्मान भारत योजना जैसी बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना संचालित की रही है, इसके बावजूद बिहार में गरीबों का एक बड़ा तबका इससे जुड़ नहीं पाया है। इसके पीछे राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता सबसे बड़ी बाधा बताई गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर राज्य ने साधा निशाना। हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती की थी, जिसके बाद आम लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली। इसी बीच अब केंद्र सरकार की पहल पर राजद ने निशाना साधना शुरू कर दिया है, जिसके तहत ही रूस यूक्रेन में चल रहे विवाद पर पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत घटकर 72 रुपए प्रति बैरल तक पहुंच गई है। तो जनवरी के तीसरे सप्ताह में देश के अनेक राज्यों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए लीटर और डीजल 90 रुपए लीटर से आगे जा चुका था। केंद्र की तरफ से उत्पाद शुल्क कम करने के पूर्व पटना में पेट्रोल 118 रुपए और डीजल 103 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया था। अब कीमत में कटौती के बाद भी पेट्रोल 107 रुपए और डीजल 95 रुपए प्रति लीटर ही मिलेगा। ये कटौती के नाम पर केवल बोतलेबाजी है। अगले 72 घंटे जदयू के विधायकों को राजधानी छोड़ने की नहीं है इजाजत।
बिहार के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों कई घटनाक्रम हो रहे हैं, जिसके कारण ही कयासों का बाजार भी काफी गर्म है। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन अपने सभी विधायकों को दो टूक फरमान जारी कर दिया है, जिसके तहत ही अगले 72 घंटे तक सारे विधायक पटना में ही रहने वाले हैं, यानी कि वो अब किसी भी हाल में बाहर नहीं जाएंगे। जानकार इसे जातिगत जनगणना पर 27 मई को होने वाली संभावित बैठक से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इन दिनों बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर राजनीति तेज है। वहीं दूसरी तरफ जातिगत जनगणना के मुद्दे पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राज्य के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने इसे लेकर सवाल पूछे जाने पर कहा कि हम जल्द निर्णय लेंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा में हलचल तेज। बिहार समेत देश भर में राज्यसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है, जिसमें ही सबकी नजर बिहार की भी 5 राज्यसभा सीटों पर है। आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसमें भाजपा की 2 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की पहल होगी, जिसके बाद से ही राज्यसभा चुनाव में किस नेता की किस्मत खुलेगी इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार भाजपा कोटे से गोपाल नारायण सिंह और सतीश चंद्र दुबे का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब भाजपा नेतृत्व फिर से पुराने पर दाव लगाएगी या फिर मैदान में नया चेहरा उतारेगी, इस पर चर्चा जारी है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में न सिर्फ जदयू बल्कि भाजपा के अंदर खाने हलचल काफी तेज है। जदयू की हाई लेवल मीटिंग में राज्यसभा उम्मीदवार चयन को लेकर वरिष्ठ नेताओं और विधायकों और मंत्रियों से सीएम नीतीश को अधिकृत भी कर दिया गया है। खबर तो ऐसी भी चल रही है कि इस बार आरसीपी सिंह का पत्ता साफ हो सकता है, हालांकि क्या होगा नहीं ये जल्द ही साफ हो जाएगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 2500वीं जयंती 1956 में धूमधाम से मनाई गई थी। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म 1819 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म 1896 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के पूर्व भारतीय विदेश सचिव रंजन मथाई का जन्म 1952 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक कोच और पहलवान गुरु हनुमान का निधन 1999 में हुआ था। भारतीय अभिनेता तपे चैटर्जी का निधन 2010 में आज के दिन हुआ था। 11वीं के छात्र ने परीक्षा में आंसर के बजाय लिखा खेसारी लाल यादव का गाना। बिहार में ली जाने वाली परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के आंसर शीट आए दिन मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है गोपालगंज जिले से, जहां पर एक छात्र को खेसारी लाल यादव का गाना इतना ज्यादा पसंद आया कि उसने परीक्षा में प्रश्न का उत्तर देने से पहले उत्तर पुस्तिका में चर्चित गीत लिख डाला है। इसके साथ ही उसने खेसारी का विश्लेषण भी बहुत ही रोचक तरह से किया। ये उत्तर पुस्तिका पर गोपालगंज के भोरे प्रखंड स्थित बीपीएससी कॉलेज का नाम है। जानकारी के अनुसार बीपीएससी कॉलेज भोरे में इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया था। वहीं छात्रों की 11वीं की परीक्षा 11 से 21 मई तक आयोजित हुई थी। हिंदी विषय के प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में अखिलेश यादव नामक छात्र ने भोजपुरी गाना ए राजा छूटता पसीना गर्मी होला राजा जाई बाजारे ले ले आई एगो कोका कोला गाने को पूरी कॉपी में लिख डाला है और इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया गया है। दिनेश कार्तिक ने भारतीय टीम में वापसी पर दी बड़ी प्रतिक्रिया। अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक पूरे 3 सालों के बाद टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाले हैं। जी हां, उनका चयन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू हो रही घरेलू टी20 सीरीज के लिए हुआ है। भारतीय टीम में वापसी होने पर कार्तिक बेहद खुश हैं और उन्होंने अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया पर किया है। 3 साल बाद भारतीय टीम में जगह मिलने पर दिनेश कार्तिक बेहद खुश हैं। उन्होंने बोर्ड का आभार जताते हुए बड़ा बयान दिया। दिनेश कार्तिक ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर एक भावुक और दिल जीतने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपको खुद पर विश्वास है जो सब कुछ ठीक होगा। आप सभी का धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए और मुझ पर भरोसा रखने के लिए। कठिन परिश्रम जारी है। गौरतलब है कि कार्तिक ने इस आईपीएल सीजन में कमाल का प्रदर्शन किया है। व्हाट्सएप पर डाउनलोड होगा डीएल और पैन। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने व्हाट्सएप यूजर के लिए खास सुविधा शुरू कर दी है। अब आप सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए अपना डीएल, पैन कार्ड और आरसी जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सरकार ने डिजी लॉकर सर्विस को एक्सेस करने के लिए माई जीओवी हेल्प डेस्क को व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया है। आसान भाषा में समझे तो आप बस एक नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर डिजी लॉकर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सीबीएसई 10वीं पासिंग सर्टिफिकेट, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र, बीमा पॉलिसी, दोपहिया, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, बीमा पॉलिसी दस्तावेज अब आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है कुश कुमार यादव, प्रियंका कुमारी, गौतम कुमार, रेखा सिंह, अरविंद कुमार, कुश कुमार, उमाशंकर एंटरटेनमेंट, सुशील कुमार, अनवर करीम खान, अतीक खान,
फरहीन खान, गोनार शर्मा। इसके अलावा हमें और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे। हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार के पहल से आप खुश हैं या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।